अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप कैसे? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम आपको एक नई सी नई जगह एक्सप्लोर करके बता रहे हैं। ये फेरी मीडोज की तरफ हम आपको लेके आए हैं, फेरी मीडोज का व्यू कराएंगे। हाइकिंग कर रहे हैं, 21 किलोमीटर हम यहाँ पे पैदल चल रहे हैं। वो हमने एरिया सारा कवर करके लाना है अगर साइड पे, ठीक है। वो सामने हमने टॉप पे जाना है। तो अभी हम ने हिम्मत करनी है, अभी 21 किलोमीटर हमने जो है ना पैदल चलना है, हाइकिंग करनी है। 21 किलोमीटर के बाद हम अपने मकाम पे पहुँचेंगे। हम जब अपने मकाम पे पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू कराएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इस तरह का दरख्त नहीं लगा हुआ। यहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है। और उस साइड पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई भी दरख्त नहीं लगा हुआ, सीधा एक रोड बना, ट्रैक बना हुआ है जिस पे हम जाएंगे। तो इसके लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, तो हम आपको अच्छे से अच्छा व्यू कराएंगे। तो ये देखिए, अब वो हम दो पहाड़ जो दो वो क्रॉस करके यहाँ पे आए। ये देखें, पत्थरीला, बिल्कुल पत्थर काट के, जो चट्टान है पत्थर की वो नीचे आई हुई है, उसे काट के ये बनाया गया है। देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अब हम पिछले 3 घंटे से मुसलसल चल रहे हैं, दो पहाड़ हमने क्रॉस किए हैं। अब हम काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो अभी काफ़ी टाइम हमें और भी लगेगा। ये देख सकते हैं, ये वही रास्ता है जहाँ से हम चल के आए। ये देखिए जिक जैक है, मुसलसल हम 4 घंटे से चल रहे हैं, तो अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा और लगना है। तो अभी बिल्कुल थक हार गए हैं, एनर्जी ख़त्म हो रही है, लेकिन हमें हिम्मत करनी होगी। तो हमें जीप मिल गई है, तो अब हम जीप पे बैठ गए हैं, तो हम आपको आगे जीप से व्यू कराएंगे। तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम काफ़ी थक हार चुके थे। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। तो हमारा यही होता है कि हम जितने से जितने ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें आपको वो उतनी ज़्यादा ब्यूटी बताएँ। ये आप देख सकते हैं, पीछे बिल्कुल दरख्त मौजूद नहीं थे, यहाँ पर फिर चंद दरख्त मौजूद हैं, ठीक है। आबादी तो खैर नहीं है, लेकिन यह है कि हम अपने स्टॉप पे पहुंचने लगे। फेरी मीडोज पॉइंट पे पहुंच जाएं, यहाँ से हम हाइकिंग करके फेरी मीडोज पॉइंट की जानिब जाएंगे। कल मुसलसल 7 घंटे तक ट्रैक किया, आज फिर ये 3रा घंटा है मुसलसल ट्रैक कर रहे हैं, तो हालत बहुत टाइट हुई है। तो हम अभी फेरी मीडोज में जाके स्टे करते हैं, बाकी का व्यू हम आपको वहाँ पे ही दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। सो फाइनली हम जो हैं फेरी मीडोज के टॉप पे मौजूद है। यहाँ से हम आपको मुख्तलिफ
माउंटेन का व्यू करवाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के ग्राउंड्स का व्यू करवाएंगे, यहाँ पे जो हट्स बने हुए मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे व्यू करवाएंगे। या आप मेरी देख सकते हैं बैक साइड पे, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हट्स बने हुए, ये जो हट्स है बहुत अलग किस्म के बने हुए हैं और पाइन के ट्री के नीचे एक यहाँ पे एक अलग ही सुकून आता है और ये जन्नत का एक टुकड़ा इसे आप कह सकते हैं। बहुत प्यारी जगह, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, जितना भी इसे इसकी तारीफ़ की जाए वो उतनी ही कम है। तो इसी के अगर मैं हट्स की राइट साइड पे दिखाऊँ तो वो सामने जो ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, वो जो हम टॉप वो नांगा पर्वत की माउंटेन है, ठीक है, ये बेस कैंप है, बेस कैंप के पीछे वो नांगा पर्वत की माउंटेन भी बर्फ़ लगी है, नांगा पर्वत में भी ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, अभी ये आप देखें, मैं आपको जूम आउट करके बता देता हूँ, ऊपर जो बर्फ़ लगी हुई है, ठीक है। फिर इधर आप देखेंगे कि ये पाइन की ट्री हैं, इस साइड पे भी हट्स बने हुए हैं, ठीक है, इस साइड पे भी हट्स बने हुए हैं, ठीक है। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि मई का महीना है और ठंड काफ़ी है यहाँ पे, गर्म कपड़े जब भी आए, किसी भी आप अगर अगस्त में आते हैं, जून जुलाई अगस्त इवन के किसी भी मंथ में आते हैं तो यहाँ पे आप अपने साथ गर्म लिबास लाजमी लेके आए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये आप ग्रीनरी भी देख सकते हैं कि ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, और इसी के आप मेरे साथ अगर आप आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पाइन के ट्री हैं, इन्हीं के साथ एक ग्राउंड बना हुआ है जिधर घोड़े मौजूद हैं, वहाँ पर आपको मैं व्यू करवा देता हूँ, वहाँ पर भी बिल्कुल जो ग्राउंड है वो ग्रीनरी ग्रीन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आई कैन डू इट। तो हम फिर फेरी मीडोज के टॉप पे पहुंच आए हैं, ये आप देख सकते हैं, सर्दी बहुत थी तो चाय पिए, तो ये आप व्यू देख सकते हैं नांगा पर्वत हमने टॉप पे, यहाँ पे बारिश की वजह से व्यू सही नहीं आ रहा, यहाँ पे स्टे करना है, ये हमने अभी इधर कर लिया, रूम लिया, यहाँ पे हमने अभी स्टे करना है, स्टे करने के बाद हम फिर नेक्स्ट जो सुबह वहाँ पे आपको विजिट कराएंगे। तो फेरी मीडोज़ में अभी ये बारिश है, बारिश की वजह से हम आपको सही व्यू तो नहीं करवा सकते, लेकिन जो ही सुबह धूप निकलती है तो हम आपको बेहतरीन व्यू कर, तो ये हम आपको इंशाल्लाह सुबह आपको कोशिश रहेगी कि आपको बारिश, अभी मौसम तो बारिश अभी भी लगी हुई है हल्की हल्की, तो अभी जो ही मौसम सेट होता है तो हम आगे निकलेंगे, क्योंकि आप खुद जानते हैं अभी ऊपर पहाड़ पे स्नो भी हो रही है तो ऊपर अभी जाना खतरे से खाली नहीं है। तो आपको हम इंशाल्लाह सुबह हम आपको नांगा पर्वत का व्यू करवाएंगे, अभी हम फेरी मीडोज़ का आपको व्यू करवाते हैं टॉप से, तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो हम आपको जो है ये देखिए कितना प्यारा है, इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, ये बहुत प्यारी जगह है, इधर आके एक अलग से ही सुकून मिलता है, ठीक है, बहुत प्यारी जगह है, और ये हमारा ही काम होता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट जगह एक्सप्लोर करके बताएं। तो ये आपको इधर आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है और कैसे कैसे हंट बने हुए हैं, हंट बहुत प्यारे प्यारे बने हुए हैं। रेम्बो चाचा फेरी मीडोज कहते हैं मुझे। आपको चाचा फेरी मीडोज, इतना लंबा नाम है आपका, तो बस ये आप जैसे दोस्तों का मेहरबानियों से इतना बड़ा लंबा नाम रखा हुआ है। अच्छा, जब हमने यहाँ पे फेरी मीडोज पे स्टे किया है, ये किचन है, यहाँ पे ये बाबा जी खाना बना रहे, बाबा जी क्या बनाया? मैंने एक चिकन कौरमा बनाया और एक चिकन कढ़ाई बनाया। अच्छा, ये चिकन कौरमा? जी हाँ, ये कौरमा है, ये कढ़ाई बनाया। अच्छा, वो कढ़ाई बनाई है और ये चिकन कौरमा बनाया, ठीक है, और इसका रेट क्या है चिकन कौरमे का? इसका रेट 4000 रुपये का है, ये पूरा एक चिकन कौरमा होता है, तकरीबन 1.5-2 किलो का होता है। अच्छा, तो वो पूरा साबुत पकाया जाता है, तो तकरीबन 8 रोटी के साथ हम 4000 रुपये में देते हैं। 8 रोटी भी साथ देते हैं और 4000 के कौरमा भी ऐसे इस तरीके से है सर, वो भी 4000 के? हाँ, 4000 का। और इन दोनों में चिकन एक जैसे ही होता है कि चिकन कम होता है? एक जैसे ही होता है, चिकन एक जैसे ही होता है और रेट भी एक जैसा है, दोनों के साथ 8-8 रोटियां देते हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देखें, आपने रेट तो देखा होगा, रेट भी मुनासिब है, ये इतने दूर से नीचे से लेके आते हैं, तो ये रोटी देखें, चपाती ये यहाँ भी बनती है, ये तवा देख लें।
बहुत प्यारा व्यू आ रहा है।